इस वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ नट देखने वाले हैं। देन दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ डिज़ाइन ऑफ नट, हाइट ऑफ नट, डायमीटर ऑफ नट एंड दिस वन इज पीच। देन मटेरियल सेलेक्ट करना है, मटेरियल सेलेक्ट आपको पता है कहाँ से करना है, 1.9 से। देन C65 मैंने सेलेक्ट किया, सिग्मा YT 430 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। देन सिग्मा T निकाला 143.3। देन टाउ निकाला सिग्मा T डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 71.66 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देन सिग्मा क्रशिंग निकाला 1.5 इंटू सिग्मा T इम्पेरिकल रिलेशन यूज करके। सिलेक्टेड स्टैंडर्ड डायमीटर PHG 5.84 में, दिस वन इज 5.84। इधर आप देख सकते हैं नॉमिनल डायमीटर दिया है, चॉइस 1, चॉइस 2, 56 टू 60, 64 टू 68। हमारा डायमीटर है वो हमारा कितना है, 70 है। देन आप 64 टू 68 एंड 72 टू 76, इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन मैंने नॉमिनल डायमीटर 72 टू 76 सेलेक्ट किया है। देन पिच डायमीटर, देन मैंने पिच कितना सेलेक्ट किया है, फाइन पिच रहता है। देन पिच के लिए मैंने इधर देखिए 72 76 के लिए 4 है। हमें आप कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट फाइन इज गुड। कंसीडर शेयर करना है, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस हमने सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में निकाला था। देन फोर्स हमारा 150 इंटू 10^3, देन 5 इंटू डी इंटू हाइट ऑफ नट। देन इधर से हमें डायमीटर पता है, 70 भी ले सकते हो और 72 76 हमने जो सिलेक्ट किया था स्टैंडर्ड में से आप वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हाइट ऑफ नट निकाला 9.52 mm। देन नंबर ऑफ थ्रेड जेड इज इक्वल टू हाइट ऑफ नट डिवाइड बाय पीच। देन 9.52 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2.38। देन हमें कंसिडर क्रशिंग करना है, जो हुक के थ्रेड होंगे एंड नट के थ्रेड होंगे लाइक दिस वन, जो एक के ऊपर एक होंगे उसमें क्या होगा, क्रशिंग होगा। देन सिग्मा क्रशिंग इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमें पता है 150 इंटू 10^3। देन एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू जेड, डी डी स्क्वायर माइनस डी। देन हमें डी पता है 70 एंड उसका जो बीच में है डी स्मॉल डी 70 इंटू 0.84, दिस वन इम्पेरिकल रिलेशन। देन सिग्मा क्रशिंग निकाला इज लेस देन 214.95 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, देन सेफ फॉर क्रशिंग। देन हमें सिलेक्टेड डाय ऑफ थ्रस्ट बेरिंग करना है, उसके लिए हमें PHG 4.27 में आप देख सकते हैं सिंगल थ्रस्ट बॉल बेरिंग, देन उसके आगे ही डबल थ्रस्ट बॉल बेरिंग है। देन हमारा डायमीटर कितना है, इधर आप देख सकते हो डी, दिस वन इज कैपिटल डी, डी टू एंड एच। देन हमें सेम हमारा डी ए 70, देन आप इधर देख सकते हो इधर डी ए, इस डी में 60 65 एंड 70। 70 के आगे आपको एस्केप नंबर देखेगा, उसके आगे कैपिटल डी, उसके आगे एच। देन अपना एच है 27, कैपिटल डी है 105। देन एस्केप 51214 सिंगल थ्रस्ट बॉल बेरिंग हमने सिलेक्ट की। फाइनल स्टेप डिजाइन ऑफ क्रॉस प्लेट, हमने जो सिलेक्टेड डाय ऑफ थ्रस्ट बेरिंग किया था 4.27 में से, वो हमने इधर डायमेंशन लिख लिए। देन हमें फाइंड करना है एच एंड बी। देन फर्स्ट मटेरियल सिलेक्ट करना है C45 1.9 से। देन सिग्मा YT 360, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, सिग्मा बी इज इक्वल टू 90, टाउ इज इक्वल टू 45। देन इंपेरिकल रिलेशन एच इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ शार्प, हमने डायमीटर ऑफ शार्प 112.25 निकाला था। स्टेप नंबर टू में डिज़ाइन ऑफ पुले में हमने लेंथ ऑफ एक्सेल एंड डायमीटर ऑफ एक्सेल फाइन किया था। देन अबाउट एक्स एक्सिस बेंडिंग स्ट्रेस फाइन करना है। पूरी लेंथ हमने लेंथ ऑफ एक्सेल में फाइन की थी, वो थी हमारी 780, उसका हाफ 390। देन पूरा 105 है, उसका हाफ 52.5 एंड 52.5 का 26.25। देन हमने एक्ट किया, देन मोमेंट इज इक्वल टू माइनस पी बाय 2 इंटू लेंथ, ओके प्लस पी बाय 2 इंटू लेंथ। देन हमने 26.25 दिस वन लेंथ एंड 390 दिस वन लेंथ। देन ये हमने फाइन किया 27.28125 इंटू 10^6। देन यूज किया फ्लेक्सुलर फार्मूला, देन वाई इज इक्वल टू एच बाय 2, आई इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाय 12। देन हमने वैल्यू पुट की, देन बी इज इक्वल टू 144.34 mm। देन उसे हमने राउंड अप किया 150 mm में। क्वेश्चन में देख सकते हो लास्ट में हमें सिलेक्ट कर सुटेबल मोटर फॉर होस्टिंग मैकेनिज्म, मोस्टली ए हमें नहीं
उससे फाइंड करने के लिए। बट अगर पूछा तो हमें क्या करना है, पी एच जी 9.7 में आपको इधर पावर का फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। देन क्योंकि हमारा वेट ऑफ लोड लिफ्टेड इन के जी एफ, देन वी है हमारे वेलोसिटी ऑफ होस्टिंग जिस वन गिवन है हमें, देन इफिशियंसी दिए है ऑफ मैकेनिज्म, देन 4500 फॉर्मूला इधर पुट किया। देन वैल्यू हमें पता है क्यू की वैल्यू 115 × 10^2 गिवन है, देन वेलोसिटी हमें दिए 8, देन इफिशियंसी 0.85 हमें अज्यूम करनी है, देन 4500 हमें उसे सॉल्व करके 31.37 एचपी मिला। एचपी को हमें कन्वर्ट करना है किलोवाट में, देन 31.37 डिवाइड बाय 1000 × 746 हो जाएगा किलोवाट में। देन हमें स्टैंडर्ड मोटर सेलेक्ट करनी है, इसलिए पीएचजी 5.124 में, दिस वन इज 5.124 फुट माउंटेड मोटर थ्री फेज, हमें किलोवाट फाइंड किया हमने देख सकते हैं 23.34। बट इधर आप देख सकते हैं किलोवाट के रेंज में, स्टैंडर्ड के रेंज में हमें लास्ट है 22, देन हमें सिलेक्ट करना है 22 किलोवाट। देन स्पीड उसकी है उसकी के आगे 1000, 3000 और 1500, इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, मैं 1500 सिलेक्ट करता हूँ। हमारा स्टेप 4 एंड स्टेप 5 कंप्लीट हो गया, डिज़ाइन ऑफ नट एंड डिज़ाइन ऑफ क्रॉस प्लेट। देन हमने ऑल जो फाइंड करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड